खरगोन जिले के बड़वा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मुरल्ला स्थित मिट्टी की खदान पर मिलने वाले नाबालिग के शव का बड़वा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुलासा किया। एसडीओपी विनोद दीक्षित ने बताया कि कृष्णा पिता अशोक मराठा हरदा जिले के खिड़किया का रहने वाला है, जो वर्तमान में ग्राम मुरल्ला स्थित बालाजी क्रेशर पर काम करता है, जिसके द्वारा मृतक नाबालिग को मंगलवार शाम 4 बजे उसके घर से शराब पिलाने का कहकर अपने साथ नर्मदा किनारे नर्सरी की झाड़ियों में लेकर गया था, जहां आरोपी ने नाबालिग के साथ खोटा काम किया। इस दौरान नाबालिग ने उसकी इस हरकतों का खुलासा कर घर वालों के सामने करने की बात कही। इस डर से आरोपी कृष्णा ने नाबालिग का गला दबाकर उसे मारने का प्रयास किया। वहीं आरोपी ने नाबालिग का पत्थर से सिर कुचलकर उसको मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मृतक को खदान में ही गड्ढा खोदकर दबा दिया, जहां से पुलिस ने मृतक का शव निकालकर खंडवा पीएम के लिए भेजा था। इस मामले में बड़वा एसडीओपी विनोद दीक्षित और थाना प्रभारी जगदीश गोयल घटना स्थल और अन्य जानकारी पर बारीकी से जांच कर रहे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। युवक हत्या कर दी थी, दोनों मजदूर से सर बाहर से आए थे यहाँ पर, क्या मामला था? बड़वा थाने में 10 तारीख को एक सूचना मिली थी कि एक बालक 8 तारीख से दिख नहीं रहा, जो वहीं पे जो बालाजी क्रसर थे वहाँ काम करते हैं उसे परिवार के लिए। 10 तारीख को जब सर्चिंग की गई तो उस पर ये मालूम पड़ा कि एक व्यक्ति कृष्णा, जो करीब 22 साल की उम्र का है, उसके साथ उसे लास्ट देखा गया था। और जब उससे पुलिस ने सख्ती से पूछताछ किया तो उसने बताया था कि एक जगह उसने उसके साथ कुछ गलत हरकत की और फिर उसने उसको पत्थर से मारकर रेत के अंदर उसको उसने गाड़ने की कोशिश की है। उसके निशानदेही पे पुलिस ने उस बच्चे की लाश को बरामद किया और सेक्शन 377 और 302 इजाफा किया गया है और उसकी हमने गिरफ्तारी कर ली है। प्राकृतिक कृत्य उसने उस बच्चे के साथ करना स्वीकार किया, वजह यही थी, और चूंकि एक दूसरे को जानते थे तो उस भय से उसने उसकी हत्या कर दी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।